दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है जिन लोगों का इस सड़क या जो अभी आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं इनसे संबंध है या फिर इनको यहां से आना जाना पड़ता है, क्योंकि इस सड़क के बारे में, इस जगह के बारे में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उसके बाद आप भी ये कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर यहां पर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खबर को आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि यार वाकई में बात में दम तो है। दरअसल बाड़मेर शहर में इन दिनों रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं दो जगह पर, एक बाड़मेर शहर में चौटन रोड रैन बसेरा के पास और दूसरा गडरा सर्किल जो गडरा रोड की तरफ रास्ता जाता है वहां पर, और एक अंडर ब्रिज भी बन रहा है रैन बसेरा के पास। इनका काम पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। दरअसल हर एक काम की एक समय सीमा होती है कि इतने समय में ये काम आपको पूरा करना होता है, लेकिन उन तमाम नियम कायदों पर हम लोग नहीं जाते हैं। बात करते हैं कि इससे आम जन कितना परेशान हो रहा है, आम जन को कितनी यहाँ पर दुविधाएं हो रही है, और आम जन की इसमें से ऐसी क्या परेशानी आ जाती है कि किसी की बात जो है किसी की जान पर बनाए। असल में यह रोड जो गडरा सर्किल के पास जो ओवर ब्रिज बन रहा है, यह रोड बाड़मेर जिले के पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी शहर हैं, उन सबको एकमात्र यही रोड जोड़ता है। चाहे गडरा रोड की बात हो, रामसर की बात हो, या फिर बाड़मेर शहर के इर्द गिर्द सड़कों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की बात हो, यहाँ के लोग जब शहर में प्रवेश करते हैं तो इनको सबसे पहले लंगेरा गांव में घूम करके उधर से आना पड़ता है, और वहां की सड़क लंगेरा गांव से बाड़मेर शहर जो चौटन चौराहे से ठीक पहले सड़क आती है वहां तक सड़क पूरी की पूरी टूटी हुई है। जबकि नियम यह है कि आप किसी जगह पर अगर सड़क का या ओवर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं उसकी जगह पर आप डाइवर्जन अगर सड़क देते हैं तो आपको सड़क वहां पर नहीं बना के देनी पड़ती है लोगों के आने जाने के लिए, जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले की एक सड़क बनी हुई थी, वो भी नई नई बनी थी, और उस पर ऐसे भारी वाहन आए कि अब वो सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। सबसे दूसरी बड़ी बात कि जब यहां पर ओवरब्रिज का काम चल रहा था, रेलवे क्रॉसिंग पार करके जो सड़क मार्ग है उसको उन्होंने 30 दिन के लिए बंद कर दिया था कि 30 दिन हम इस सड़क को बंद कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम ओवरब्रिज बना रहे हैं। उस बात को अब 3 महीने हो गए हैं लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो गडरा सर्किल के पास होकर के अंदर शहर में एंट्री करते हैं, किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल अगर उस क्षेत्र से आता है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी है, कोई दुर्घटना है, कोई सड़क हादसा है, कोई महिला की डिलीवरी है, तो वो बाड़मेर शहर में एंट्री करने के बाद लंगेरा गांव तक आने के बाद उसको अस्पताल पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। नंबर एक, क्योंकि लंगेरा गांव से होते हुए डिगड़ा रोड से अगर वो बाड़मेर शहर में प्रवेश करेगा तो सारी की सारी सड़क टूटी हुई है और इतना ट्रैफिक है कि वहां से आ नहीं सकता, और गडरा सर्किल से अंदर एंट्री करने के बाद अगर अस्पताल तक कोई व्यक्ति पहुंचना है तो उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और क्योंकि पूरे शहर में अगर फोर व्हीलर का वो गाड़ी लानी है तो संभव ही नहीं है कि आप वहां से फोर व्हीलर शहर के अंदर से होते हुए बाड़मेर के जिला अस्पताल तक लेकर आए। कहने का मतलब ये है कि शहर की और भी जितनी छोटी छोटी सड़कें हैं उन सबको उन्होंने कहीं गड्ढे कर रखे हैं, कहीं अवरोध कर रखा है, कहीं मलबा डाल रखा है, बाकी छोटी सड़कों को भी बंद कर रखा है। बड़ा सवाल कि ये बात, कई बार लोग इसको शिकायत भी करते हैं लेकिन बात देखने में समझने में छोटी लगती है, लेकिन अगर यहाँ से जो व्यक्ति गुजरता है उनको पता है कि इनकी समस्या कितनी बड़ी है। इस पर आखिर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के अधिकारी जो हैं वो ठेकेदार से मिले हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इस कारण पर जो है यही काम चल रहा है। अब सुनिए कि यहाँ से परेशान होने वाले लोग क्या कह रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, और मैं मांग भी करूँगा कि इस पर जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। सरकार के एक बने तो पुलियो बनाए, 1 महीना में तो गेट खोल दे वाला रेलवे फाटक, आज 4 महीना हो गया है गेट, गेट खुलियो को नहीं हुआ, हर घूमे जानो पड़े, कितनो नुकसान हुआ, घनी परेशानी है, की परेशानी एक रस्तो है और खड्डा घना है, घूमे आना पड़े, 10 मिनट गोतो है। सरकार ने की कहने चाहो जल्दी काम निर्णय पूरा करे, केरी मनमानी केरी ठेकेदार और ये का सरकार ही है, ठेकेदार और ये सरकार ही, इतने तो वन ठाकुर है ठेकेदार, मनमानी भी तो पूरा होना चाहिए, बड़े बड़े काम करे। हां बड़े बड़े ऐसे यूं आओ जाओ कभी गांव ठेकेदार की तो बात कुछ हुई जाओ कि कहियो तो केरे कने ठेकेदार आने दे, मैं तो कने बात कौन के ये तो माने परेशानी है, की करा ठीक बंदे, ये हर दोनों कितो किलोमीटर घूमे जाना पड़े, बड़े बड़े पर नहीं परेशानी है, माने कितनी परेशानी हुई, कितो नुकसान हुआ, घना नुकसान है, खाडा घना है। हां अरे थारी की मांग है कितना जल होना चाहिए, 10 नंबर दीजिए। वैसे पे सरकार तो कहे दो कि 1 महीना में थोड़ा पुलियो गेट खोला ला रहो,
खोलियो को नहीं कितना महीना हुआ है बंद होने मैंने आज 5-6 महीना हुआ है एक ही कहने जाओ एक ही कहने जाओ एक ही चालू कराओ अपनी ठीक है धन्यवाद नाम ओम सिंह है परेशानी ये हो रही है कि इन पुलिये बनाने के लिए मतलब चार एक महीने का बोला था आज 5-6 महीने हो गए हमारे को मेरा घर यहाँ रेल की पटरी से उस साइड ही है नजदीक ही है हमको वहाँ से यहाँ से जाना होगा तो वहाँ लंगेरा होके घूम के आना पड़ता है 20 किलोमीटर का पूरा राउंड निकाल के आना पड़ता है डेली आते जाते हैं कहाँ से जाए ये पुलिया बंद है वहाँ से बंद है वहाँ गाड़ी निकलती नहीं है कहाँ से जाए परेशानी बहुत होती बहुत परेशानी हो रही है सर परेशानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्थानीय लोग क्या चाहते हैं स्थानीय लोग यही चाहते हैं कि रास्ता खुलवाए कितना टाइम हो गया इसको ब्रिज को बनते हुए एक महीने का बोला था मतलब 4-5 महीने हो गए रास्ता बंद है ब्रिज बनते हुए हो गए समथिंग 1.5 साल से ऊपर हो गया है रेलवे फाटक को कितना खोलने के लिए कितना महीने बोला था एक महीने का बोला था अभी 4-5 महीने हो गए अभी तक खोला नहीं जी और यहाँ से अगर आप गडरा जाना हो तो आपसे कितना घूमना पड़ता है गडरा जाने के लिए हमारे को यहाँ से 20-25 किलोमीटर यहाँ घूम के पेपर आना पड़ता है हमारे घर आने के लिए हमको 20 किलोमीटर वहाँ से राउंड लगा के यहाँ आना पड़ता है जी किसकी मनमानी किसकी है यहाँ मनमानी ये ठेकेदार की है मनमानी काम नहीं करवा रहा टाइम पे वही है कभी आपने जाहिर किया था कि हमें यहाँ से एक दो बार किया था मतलब सुनाई कोई करते नहीं ठेकेदार रेगुलर काम कर रहे हैं या फिर काम को रोक देते हैं रेगुलर कहाँ करते हैं काम रेगुलर होता ही नहीं है काम तो डे नाइट चलना चाहिए ये तो दिन दिन में करते हैं रात में काम बंद हो जाता है रेगुलर होता तो यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता यहाँ से जाने में मतलब रोड पूरी टूटी हुई है पानी की लाइनें सब तोड़ दी है पानी की परेशानी हो रही है अब पानी की लाइनें में पानी नहीं आता है रोज में मतलब परेशानी बहुत है अभी ये पुलिया चालू है उसे परेशानी चल रही है जी ये जो काम अभी जो काम चल रहा है ब्रिज का काम चल रहा है इसी काम से पानी की लाइनें टूटी है या फिर इसी काम से ही पानी की लाइनें टूटी है जहाँ पे पानी वो नाला खोदने के लिए खुदाई करते उसे दौरान पाइपलाइन टूट जाती है तो वापिस उसका जुड़वाने का काम करते नहीं है पानी तो लीकेज हो जाता है जहाँ जहाँ लीकेज होता है पीछे से बंद करवा देते हैं पानी घर तक पहुँचता नहीं है क्या चाहते हैं स्थानीय लोगों की क्या हम स्थानीय लोग सब ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुलवाए कई गाँव है एक रास्ता बंद है की परेशानी है लियाकत नाम है हमारे गाँव सावड़ोर है फिलहाल ये तो हमारे बुआ रो घर है ठीक है तो मैं मतलब गाँव में आवा जैसे बाइक वगैरह अब सीधी पहले तो सीधी जाती मैं माना वो हम घुमाए ले जानी पड़े बाकी पब्लिक पूरी झुकी हुआ गाड़ी आवे बस आवे इतना हम घुमा घुमा मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर का गोता खाए आवे मैंने कितना पब्लिक परेशान है पूरी वजह में कह रहा है कि भाई सुविधा पब्लिक के लिए हो रही है अगर पब्लिक के लिए सुविधा हो रही है हम 3-3 साल मतलब नुकसान में यूं ही रगड़ रहे हैं 3 सालों के बाद हमें सुविधा मिलेगी 3 सालों से पहले अगर ये पुल बन रहा है तो इसके लिए पहले ये तो होनी चाहिए ना कि सुविधा पब्लिक के लिए होनी चाहिए कि भाई यहाँ से निकालने के लिए कैसे रास्ता जाना चाहिए आगे आने जाने के लिए पब्लिक वैसे यहाँ के इस साइड के जो मकान रहने वाले हैं वो भी परेशान मतलब हर साइड से रोड के दोनों साइडों से ना आने जाने का कोई रास्ता है ना कोई निकासी पब्लिक इतनी परेशान है अब ये पुल लगभग 2024 मेरे हिसाब से 2024 के एंड तक नहीं बनेगा तब तक पब्लिक मतलब जिस हिसाब से भागी दौड़ी में जा रही है कोई रास्ता भी नहीं है ना कोई रास्ता बनाएगा कौन सा हादसे खूब होते हैं हादसे ही होते हैं ना अब यहाँ से आमने सामने एक जहाँ डबल रोड होनी चाहिए वहाँ सिंगल रोड के साथ जा रहे हैं दोनों साइडों में तो वहाँ तो हादसे तो होने ही है बहुत सारे हादसे होते हैं और बहुत सारे स्थानीय कुछ लोग बता रहे हैं कि ब्रिज की वजह से जो रोड खोदी जा रही है उसमें जो पानी की लाइन है उसमें भी दिक्कत आ रही है दिक्कत आ ही रही है अब ये पूरी रोड खोदी जा रही है तो नीचे पानी की लाइन है वो तोड़ी जा रही है और काफी लोगों को पानी अब पैसों से जैसे लाइन है वो टूट गई तो फिर टैंकर वगैरह मंगाने पड़ते हैं लापरवाही पहले तो सरकार की भी है और सरकार के बाद बड़े बड़े ठेकेदारों की भी है उनको भी ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है ना ठेकेदार ध्यान दे रहे मनमानी के साथ जो काम मतलब 1-1.5 साल या 2 साल में खत्म होना चाहिए वो 3-3, 4-4 सालों में खत्म कर रहे हैं अपने अपनी मनमानी की वजह से रेल की पटरी की वजह से ये कहा गया था कि एक महीने में बोला गया था कि एक महीने में खत्म लेकिन पिछले लगभग मेरे हिसाब से समथिंग 1.5 साल हो गया है मेरे को यहाँ आते जाते हुए 1.5 साल में अभी तक ये रेलवे पटरी के इस साइड में क्रॉसिंग में भी सड़क नहीं है कि भाई ये क्रॉस हो जाए भले अंडरब्रिज हो पार हो कैसे भी कोई भी सड़क हो तो नहीं एक महीने का बोला 1.5-1.5 साल तक अगर कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा तो उस प्रोजेक्ट का क्या मतलब पब्लिक को मेरे हिसाब से कैसे सुविधाएं मिली कितने परसेंट काम हो चुका है आपके अभी आप देख रहे हो मेरे हिसाब से अभी तो इसमें लगभग 50% भी नहीं हुआ है क्योंकि इस हिसाब से चल रहा है तो 2025 भी एंडिंग तक खत्म नहीं होगा काम